हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पटौदी के पहाड़ी गांव के पास बना फ्लाईओवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव के लोगों ने पुल निर्माण के समय ही गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी, लेकिन लोगों की शिकायत सुनता कौन है। पुल का निर्माण हो गया लेकिन साल भर भी नहीं हुए और भ्रष्टाचार उजागर हो गया। लापरवाही का फ्लाईओवर, जी हां आपने सही सुना, पटौदी में लापरवाही का एक फ्लाईओवर है। लापरवाही इसलिए क्योंकि अभी एक साल भी नहीं हुए थे और पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लापरवाही की कहानी हम बताएंगे। सितंबर 2019 में पटौदी रेवाड़ी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। पुल का उद्घाटन तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह ने किया था, लेकिन एक साल भी नहीं हुए कि पुल ने दम तोड़ दिया। गनीमत ये रही कि गांव के लोगों को इस घटना की जानकारी मिल गई, उन्होंने वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नहीं तो इस लापरवाही का शिकार कोई और भी हो सकता था। अब तो पुल की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। मैं रेवाड़ी से आ रहा था और जैसे मैं आया तो एक ट्रक मेरे आगे से गुजरा और उसके बाद में जैसे वो ट्रक गुजरा, गुजरते ही एकदम से आवाज आई साइड से, जो इनके स्तंभ जो पैनल है वो फटे, उनके टूटने की आवाज आई, एकदम से रोड धस गया। तो वहीं रुकते हुए मैंने आने जाने वाले वाहनों को रोका। जाहिर सी बात है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और यही बात ग्रामीण भी कह रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण के दौरान सभी नियमों को ताक पर रखा गया, निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल तक किया गया। समय समय पर मीडिया को भी और अधिकारियों को भी इसके बारे में इतला दी गई कि ये काम गलत हो रहा है, पर किसी ने सुनवाई नहीं की और ये तो बड़ी दुर्घटना का कारण बन गया। एक भगवान का शुक्र है कि भाई यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घटी ना, बाकी पुल सारा ये गिर चुका है और आगे भी चार पांच जगह से मिट्टी निकली हुई है और आगे अब अपनी कई कई जगह इसने जो प्लेट है वो बाहर अपना स्थान छोड़ चुकी है और इसकी जांच कराई जाए, इसमें कोई शक नहीं है, जो भी दोषी उसको सजा मिले इसको। उनका आरोप ये भी है कि पहले भी इसकी शिकायत की जा चुकी है मगर प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। अब नतीजा उनके सामने है, लोगों ने अब फिर से जांच कराने की मांग की है। और जब से ये बन रहा था उस टाइम भी जब निकलता देखे था तो मटेरियल का जो है गवाही का उसके संतुष्टि ना हो रही थी आम आदमी ने भी, अब भाई ये कोई बढ़िया बनेगा और वही हुआ आखिरी कमाई ये 5-6 महीना में गिरी दिया था। उस समय आपने शिकायत की थी गांव में? हाँ, कई मीडिया के द्वारा प्रशासन को जागृत करे। सवाल तो है कि आखिर पुल के निर्माण में ऐसी कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई जो एक साल भी वाहनों का बोझ नहीं उठा पाई। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्यों नियमों की अनदेखी कर या फिर यूं कहें कि ताक पर रखकर ऐसे पुल का निर्माण किया गया, विभाग क्यों नहीं लोगों की शिकायत सुनता? अगर सुनता तो फिर ऐसी नौबत न आती। देखना होगा कि फिर से जाँच होती है या फिर लापरवाही की मरम्मत करके छोड़ दिया जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए पटौदी से निर्मल सिंह की रिपोर्ट।